नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडारी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। ये फार्म ट्रैक 6065 ट्रैक्टर है और ये जितेंद्र जी हैं जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं। इनसे बात करते हैं और पता लगाते हैं कैसा क्या ट्रैक्टर है। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार जी भाई साहब, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ और फिर जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदा है और इस पर एसी कैबिन लगवाया है, थोड़ा इसके बारे में बताओ ताकि किसानों को हेल्प हो सके इस चीज़ के लिए। देखो जी, हम दीपालपुर से हैं जी, सोनीपत से। हाँ जी हाँ, अपना नाम और थोड़ा वो पिताजी का। सनोब जगत सिंह। हाँ जी, विलेज दीपालपुर। हाँ जी हाँ, सोनीपत से। हाँ जी, हल्का राई। अच्छा, हल्का राई से। हल्के से आप, जैसे आप ये ट्रैक्टर कौन से कब लेके आए थे आप? ये जी 2019 में लेके आया था। अच्छा, 2019 में लेकर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, 2019 जून में आप ये ट्रैक्टर लेकर आए हो। हाँ जी। तो आपने ट्रैक्टर लेकर आए हो और फिर आपने जैसे एसी केबल लगवाया इसके ऊपर। हाँ, तो मतलब आपने क्या जरूरत समझी भाई, कंपनी तरफ से आया था या फिर आपने बाद में लगवाया? नहीं जी, ये हमने अपने आप लगवाया था। अच्छा अच्छा, कंपनी में ट्रैक्टर देखने गया था मैं। हाँ हाँ। और वहाँ पर इन ट्रैक्टर आप बड़े बड़े ट्रैक्टर आप जो विदेश में भेजे हैं सबके ऊपर एसी अपने केबल लगा के भेजते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर हमने सोचा महाले चल हम भी लगवा ले। अच्छा, आपने फिर सोची बाहर लगवा ले। अच्छा, उन पे महंगा था, फिर उसके बाद हमने लगवा जी सोनीपत में। अच्छा, सोनीपत में कितने का क्या रेट लग गया जी इसका? ये जी सारा मतलब पूरा हैवी ड्यूटी में है, 1.5 लाख रुपए के आसपास लगे थे मेरे। अच्छा, 1,50,000 रुपए करीब लगे। कौन सा एसी कंपनी का एसी लगवा रखा आपने? ध्यान हो रहा ये जी एसी है जी ऑटो कट। अच्छा, ऑटो कट के साथ में। जी, ऑटो अपने कट के साथ इनोवा में आता है जो। अच्छा, जो इनोवा गाड़ी के अंदर जो एसी है वो आपने सीधा इसके अंदर लगवा दिया, इसके अंदर लगवाया, जो कि कूलिंग भी काफी जैसे अच्छी करेगा और ऑटोमेटिक कट भी लगा होगा अपने आप। 1 घंटे के बाद अपने आप ऑफ भी हो जाता है, जब अंदर पूरी चील्ड हो जाता है अपने अपने। आप जैसे इस पे एसी चलाते हो, जब ट्रैक्टर खेत में चलाते हो, जैसे लोड पे भी चलाते हो और खेत में चलाते हो आप, तो ट्रैक्टर की जैसे दबने का कोई आता कुछ जब आप एसी ऑन करते हो? बिल्कुल एसी से कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता किसी तरह का। माइलेज वगैरह जैसे आपने ध्यान दिया हो या चेक कराया हो तब जैसे एवरेज है घटती है या फिर वो सेम रहती है? सेम रहती है जी। वैसे ट्रैक्टर है जो अपना 65 HP का ट्रैक्टर ही है, इस पर तो खैर इतना ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और जी एक और देखा जी हमने ट्रैक्टर और भी हमने चलाए, मेरे पास दूसरे ट्रैक्टर भी हैं। अच्छा, दो और हैं, महिंद्रा है, एक और है, फोर्ड है। अच्छा अच्छा, तो लेकिन ये एवरेज लोड में कम लेता है, मतलब लोड खींचने में भी ट्रैक्टर एवरेज बढ़िया देगा, कम लेता है और उसे मतलब डीजल कम ले। अच्छा, डीजल बहुत कम लेता है। क्यों, ऐसा क्या है इसका इस ट्रैक्टर में? इसका ऐसा है जी, इंजन भी बाहर के है ये। अच्छा अच्छा, जो ट्रैक्टर की जैसे एक बार बिल्ड देखे, क्वालिटी देखे, तो वाकई में थोड़ा सा हाइट भी ज्यादा है ट्रैक्टर की, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है भी, सब कुछ। ये भी देखो आप, एक्सल देखो ये जी। हाँ, ये फ्रंट एक्सल भी काफी हैवी ड्यूटी का बना रखा है, बहुत भारी वो तो है दिखने में, जैसा जो बनाने की क्वालिटी है ना वो थोड़ी ही अच्छी है। और थोड़ा सही बार का है इसका। अच्छा, गियर फुली सिंक्रोमाइज्ड गियर बॉक्स में है, शटल शिफ्टिंग गियर जो कह रहे हैं। कोई और को दिक्कत नहीं हो तो पूरी जिंदगी गियर बॉक्स तो ले ही नहीं गा। नहीं देखो, ट्रैक्टर अगर आप आराम से चलाते रहो तो कोई दिक्कत आती नहीं, किसी भी जैसे अपना कंपनी इतने रिलायबल प्रोडक्ट देती है बना के। आपने किस किस चीज में चलाया अभी तक ये ट्रैक्टर? हमने जी रोटावेटर में, एग्रो में, गन्ना लेके जाते हैं मिल में। अच्छा अच्छा, अब सर्दियों में तो काफी मजा आता होगा आपने। सोने का देखो आप। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ। हाँ, देखो जी। अच्छा अच्छा, ये पीछे सीट है ये अपना सोने के लिए, पीछे सीट। ये आराम से कंबल भी इसके अंदर रख रखे आपने। ये प्लेटफॉर्म साथ का प्लेटफॉर्म है ना इसका अपना ट्रैक्टर का? हाँ जी, जैसे साथ के प्लेटफॉर्म के साथ में ये आपने लगवा दिया भाई। ये थोड़ा हाथ बढ़वाना पड़ेगा जी। अच्छा, थोड़ा सा। हाँ जी, ये मूड गार्ड आपने थोड़ा लंबा लंबा बढ़वाया, इतना अपने प्लेटफार्म बढ़वाया है। नहीं, आप जिसने आपसे आपने जहाँ से लगवाया है बिल्कुल दिख भी नहीं रहा, कट भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग बड़ी अच्छी करी है बंदे ने। ये जी 2 महीने लगे थे इसमें। अच्छा अच्छा, 2 महीने लगे थे इसी लगाने। वहीं बैठ के अपने आप जहाँ मतलब जो कुछ कराना चाहा वो उन्होंने कर दिया। इसमें एसी में अपना हीटर का भी ऑप्शन है या नहीं? हीटर का नहीं। अच्छा, हीटर का नहीं लगवाया? चाहो तो हो सकता था। अच्छा अच्छा, वो आपने सोची नहीं क्योंकि ट्रैक्टर वैसे गर्मी ज्यादा हो रही है आजकल, गर्मी में तो एसी चलना है, फिर सर्दी में इतनी कोई जितना छोटा है ये, इसके अंदर चादर ओढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक ठीक, मतलब अंदर ज्यादा ठंड भी नहीं लगती ना, गर्मी नहीं लगती। और एसी तो जैसे ऑटो कट में है तो अपने आप इन्वायरमेंट टेम्परेचर में जाएगा, अपने आप कट मार लगा दिया, जरूरत होगी उतना ही चलेगा। ठीक ठीक, और कुछ ट्रैक्टर की कुछ खासियत बताओ, जैसे आप लेकर आए हो इतनी अच्छी चीज लेकर आ रहे हो कंपनी से। मैं कंपनी में गया था, कंपनी में देखे मैंने 80 हॉर्सपावर के, 100 हॉर्सपावर के सारे देखे मैंने, ये अपना ट्रैक्टर पसंद आया था मेरे को। अच्छा, आपने ये ट्रैक्टर पसंद कराया, कितने के रेट में पड़ गया होगा आपका ये जी कंपनी का? यह ध्यान होता आपका जैसे अभी तकरीबन 9-9.5 के आसपास होगा रेट, 9.5 के आसपास। अच्छा अच्छा, 9-9.5 के आसपास। हाँ। चलो कोई नहीं, वो तो एक अलग चीज़, क्योंकि रेट तो जी हर स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट चेंज होते रहे होते अलग अलग। हाँ, वो तो रेट का तो खैर वो एक अलग चीज़ है। तो और कुछ खासियत बताओ ट्रैक्टर जैसे आप लेकर आए तो आपने कहाँ कहाँ? तो आदमी इसमें थकता, बढ़िया अंदर गर्मी में भी मजा है। बिल्कुल है जी, गर्मी में देखो अपना आराम से आदमी कार जैसा मजा आएगा। अब तो
अब देखो दौड़ मिट्टी से बचेंगे हम, कम से कम 10 साल उम्र तो बढ़ने की इंतजार करते ही जी। आपका रंग ही बता रहा है वो धूल मिट्टी से बचने का तरीका, क्या फायदा होगा आदमी के कलर में रंग में फर्क पड़े। काम कर रहा है सुबह शाम तक चला रहा है, धूल मिट्टी में क्यों मरे, बिल्कुल थकावट भी नहीं होगी और आदमी ज्यादा ज्यादा देर तक ट्रैक्टर चला आराम से बैठा रहे। चलो थैंक यू जितेंद्र। ये अपना सोनीपत में कहाँ रखवाया आपने ये सी? सोनीपत में है जी, दीवान फार्म के पास है मनजीत। अच्छा अच्छा, दीवान फार्म के पास बस वगैरह की बॉडी बनाते हैं एसी की। हाँ, अपने आप उनको बता गए। अच्छा, इस तरह करो, उस तरह कर दिया। ठीक। नहीं, काफ़ी अच्छी बढ़िया चीज़ बना रखी है उसने, बढ़िया फिनिशिंग बना रखी है। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रैक्टर पूरा दिखाऊंगा लोगों को। थैंक यू जितेंद्र जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ये था भाई फार्म ट्रैक 6065 ट्रैक्टर है, 2019 मॉडल। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।